सर, उड़ान योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, और प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है कि उड़े देश का आम नागरिक। और इसी योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में, 2016 में इसकी शुरुआत हुई, करीब करीब 2,15,00,000 नए फ्लाइट्स उड़े हैं सर, और इसके साथ 1,15,00,000 लोग जिन्होंने कभी भी प्लेन में सफ़र नहीं किया हो, केवल खेत में खड़े होकर प्लेन को देखा हो, ऐसे लोगों ने सफ़र किया है सर। तो ये उड़ान योजना की महत्वपूर्णता है देश की विकास और प्रगति में, और 11 एयरलाइंस इसके भाग हैं, जिसमें से 3 नए स्टार्टअप्स भी हैं। 70 नए एयरपोर्ट बने हैं सर, ऐसे ऐसे जगह में जहां एयरपोर्ट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण रूप से मिटाए गए थे, वहां एयरपोर्ट स्थापित हुए हैं, चाहे वो दरभंगा हो, रूपसी हो, किशनगढ़ हो, अनेक ऐसे स्थान हैं जहां 15,000 से 2,50,000 से 3.5 लाख यात्री प्रतिवर्ष आज उन एयरपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में 2013-14 तक केवल 74 हवाई अड्डे स्थापित थे, और इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता के आधार पर आज 71 नए हवाई अड्डे, वाटर एयरड्रोम और सी ड्रोम हमारे स्थापित हो गए, 145 स्थापित हो गए। और सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 5-6 सालों में जो ये 74 से हमारी सफ़र रही है 145 तक, ये सफ़र जारी रहेगी और 200 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और इसी के साथ जहां हम लोगों के प्लेन की फ्लीट की बात है, जो केवल 400 तक सीमित थी 2013-14 पे, वो आज 700 पर आ गई है, और हर वर्ष 100 से 125 प्लेन्स की एक्विजिशन होगी, और आने वाले 5 साल के अंदर 1,200 के आंकड़ों को भी हम लोग पार करेंगे, ये विश्वास है। धन्यवाद।